लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के 7 बजे हैं और मैं उठ चुका हूँ, मैं अभी रेडी नहीं हुआ हूँ। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट यहीं से। मैं आया था अपने पोल्ट्री फार्म की साइड, जो मुर्गों की जो दाने की गाड़ी होती है ना, वो सुबह सुबह आ चुकी है, मतलब यहाँ पर नहीं आई, आने वाली अभी थोड़ी देर में। और जो हमारा काम करने वाला था वो भी आज यहाँ पे नहीं है, भाई भी नहीं है, भाई चला गया है जिम में आज सुबह सुबह। तो वो सारे जो कट्टे थे मुझे उतारने पड़ेंगे, मैं उठा ही था अभी, और मैं तो आज काफ़ी लेट हो जाऊँगा दुकान पे जाने के लिए, लेकिन काम है अपना तो करना ही पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर में आने वाली है हमारे दाने की गाड़ी, तो दिखाते हैं आप लोगों को कितनी बड़ी होती है। वैसे मैं शायद एक बार पहले आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और ये पीछे आप देख पा रहे हैं ये फट्टी वगैरह, ये मैं लेके आया था शॉप पर से, दुकान से जो सामान हटाया था उसमें ये कुछ ख़राब हो चुकी थी, जो काउंटर वगैरह था वो ठीक करवाए थे उससे निकलवा दिया। ये सारा सामान मैंने दुकान से यहाँ ला कर रख दिया। देखो ये जो गाड़ी में लेके आए थे, घर पे जगह थी नहीं तो फार्म के पास ही रख दिया, कबाड़ी वगैरह आएगा तो उसको बेच देंगे। तो आने वाली है अभी गाड़ी जस्ट 2-4-5 मिनट में। ले भाई, सुबह पहले गड़बड़ हो गई, जो दाने की गाड़ी आ रही थी ना वो फंस चुकी है, क्योंकि हमारे जो नहर बन रही है ना उसके आसपास जो रास्ता था नहर के साथ साथ, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, और वो गाड़ी बेचारी रास्ते में फंस गई। कोशिश करें निकालने की, देखते निकल जाती है तो अच्छी नहीं, ट्रैक्टर वगैरह बुलाना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी कैसे क्या हो गया। तो भैया सामने देख सकते हो आप, गाड़ी हमारी नई गाड़ी आई थी, ये रास्ता ना ख़राब हो रखा है नहर बन रही इस वजह से, और इसमें वजन ज़्यादा था तो साइड में खिसक गई, ये रास्ता आया था यहाँ खिसक गई। और ये ड्राइवर थोड़ा नकली है, ये भी था, मैं होता तो निकाल ही देता। तो ये साइड में आ गई रिपोर्ट, मैं होता तो निकाल ही देता वैसे ड्राइवर इसका। अब उस पोकलैंड मशीन से इससे धक्का लगवाएंगे और फिर ये निकलेगी, है ना, निकल जाएगी ना फिर। घणु काट दियो निप्पी। गाड़ी एक बार तो निकल चुकी है, रास्ता साफ कर दिया गया, अब देखते हैं क्या होता है। तो गाड़ी तो निकल चुकी है अभी, और दाना उतारा जाएगा अब, लेकिन मैं नहीं उतरवाऊंगा क्योंकि जो काम करने वाला था हमारा वो आ चुका है, तो मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। सूरज देव तो देखो कहाँ पे आ गया, 8:30-8:15 बज चुके हैं, मैं अब तैयार रहूँगा
और ये गाड़ी खड़ी फार्म के पास आ चुकी है। मैं अभी चाय लेके जा रहा हूँ, जो ड्राइवर है गाड़ी का वो चाय पिएगा और पापा जी के लिए। तो चलते हैं और जल्दी से तैयार होकर निकलता हूँ मैं दुकान के लिए। तो अभी मैं हो चुका हूँ तैयार दुकान पे जाने के लिए। और आज सुबह सुबह खाने में क्या बनाया है ये देख सकते हैं आप। ये बनाया है आज दही बड़ा, दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, खाकर टेस्ट करते हैं। मेरी भाभी बनाती है ये सब। क्या फूल दिखा ले, खाना नहीं फूल। तो मैं जल्दी से खा लेता हूँ क्योंकि काफी लेट हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे और हमारी जो गाड़ी थी जो मुर्गों का दाना लेके आई थी ये जा रही है वापस, काफी देर से खड़ी हुई, आगे ट्रैक्टर जा रहा है। और मेरे साथ जा रहा ससांग भी, क्योंकि आज संडे है, ससांग को करवानी है कटिंग बालों की, तो ये भी जा रहा है। तो अभी चलते हैं, कितना टाइम लगाई गाड़ी देखते हैं। आगे ट्रैक्टर की कटिंग हो चुकी है। तो ससांग कैसे लगी तेरे को कटिंग? सही है, घुमा के ये देखो, इसके काफी बड़े बड़े बाल थे तो आज इसकी कटिंग करवा दी है। और अभी इसको लेने के लिए कोई नहीं आ रहा घर से, मैंने फोन कर लिया तो कह रहे अभी टाइम नहीं है हमारे पास। तो ससांग आज यहीं पे रहने वाला है काफी देर तक। भूख लगी तो इसको कुछ खिला पिला देंगे या फिर जो भी होगा, मतलब कुछ फल फ्रूट वगैरह। मैंने फोन किया पहले तो काफी देर तक उठाया नहीं किसी ने फोन, और फिर उठाया तो बोले कि टाइम नहीं है इसको लेके जाने का, इसको यही रखो। ससांग और बाबा तो ऐसे बोले कोई गेस्ट आया हुआ है उसको छोड़ने जा रहे हैं। हाँ तो कोई आया हुआ है उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं तो नहीं आ सकते अभी। तो मैं और ससांग बैठे हैं यहाँ पे आराम से, और मैं देख रहा हूँ यहाँ से बाहर का नज़ारा क्या कुछ चल रहा है बाहर। लोग आ जा रहे हैं, आज संडे है तो कटिंग वाले के पास भी काफी भीड़ थी, इसका काफी देर में नंबर आया। कटिंग कैसी लगी तेरे को? अच्छी है, पर साइडों से मारेंगे स्कूल में अगर देख लिया। क्यों मारते हैं ऐसे करवाने से? नहीं ये थोड़े साइड छोटे करवाए, मारने की जरूरत है, पिटाई करने की जरूरत है। एक बच्चे ने करवाए थे 10-15 बार डंडे मोटे मोटे। हाँ ये कोई बात थोड़ी ना, ये कोई फैशन नहीं होता, फैशन तो एक अलग होता है। आप कमेंट करके बताना क्या गलत है थोड़ी ना ये कटिंग, ऐसी तो होती साइड से छोटे ऊपर से थोड़े से ठीक होने चाहिए। अब कबूतर बना के थोड़े ना भेजोगे बच्चों को स्कूल में। यहीं पे रुकने वाले हैं काफी देर तक, और ससांग भी पूरी दुकान का मजे ले रहा है। कैसी लगी तेरे को दुकान? अच्छी है, अच्छी सेट हो रही है, कह रहा है कि ठीक है दुकान। देखो मुझे भी देखने में काफी ठीक लगती है, हर रोज मैं आप लोगों को ये बात तो बता ही देता हूँ। गाइस अभी शाम के ना 6:30 बजे हैं और मैं अभी दुकान पे बैठा हूँ। आपने देखा था कि मैं सामान लेने के लिए गया था, जो सीन आपने देखा था। तो मैं लगभग 2-3 दिन से कंटिन्यू सामान इकट्ठा कर रहा हूँ और दुकान में मैंने काफ़ी सारा सामान डाल दिया। देख सकते हैं कोई रैक वगैरह खाली थी वो भी आज भर चुकी है, उस साइड भी कुछ रैक्स थी वो सारी भर चुकी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस दुकान में मैं अच्छा सामान डालूँ, मेन स्टैंड पे है, अच्छी बिक्री हो, और उसका रिस्पॉन्स ही मुझे मिल रहा है, मुझे दिख रहा है ठीक ठाक है। तो मैं सारा दिन बिजी था, मैंने खाना भी आ करके लगभग 3:30-4 बजे खाया था मैंने आज खाना। मैंने खाना यही मंगवाया था पीछे इनमें, देख सकते हैं मैंने घर जाना बंद कर रखा है। कल भी मैं यही भूल गया था, मतलब जो टिफिन आया था कल वो मैं यही भूल गया था, आज दो इकट्ठे हो गए हैं, ये दोनों मुझे लेके जाने हैं, शायद आज ना भूल जाऊं मैं। तो गाइज आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे ब्लॉग में? शायद आप लोगों को बोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, यही दुकान पे हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे दुकान को भी टाइम देना पड़ता है। कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग से दिखा पाऊँ। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा घर पे। तो गाइज मैं आ गया था अभी घर पे और हमने खाना वाना भी खा लिया है। अब मैं जा रहा हूँ मुर्गा फार्म में क्योंकि मैं हमारे कुत्ते को छोड़ने जा रहा हूँ। ये हमारा कुत्ता है लेकिन हमने इसका नाम टाइगर निकाल दिया। अभी है कहाँ तो ये देखो, अब इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बाबा दिया फोन। हम भाई हम इसको ना मुर्गा फार्म में बांधते हैं रात को, क्योंकि यहाँ तो सर्दी भी लगती है, वहाँ पे अच्छा रहता है। और अंदर हम बांधने लगे भैंसों को, देखो मेरी माँ ले जा रही भैंस, तो यहाँ पे अब जगह होती नहीं है। ससांग खोल के देना, खोल दे। हाँ। यहाँ से नहीं, ऊपर से खोल पहले, यहाँ से तो करूँ करके करा। हाँ ले, 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 ले,
के बात हो फिर खा जाती तो के चीज है माया। अच्छा अपना उगाना है कि ये अच्छा अच्छा और ये पत्ता ला तो टाइगर ये देखो कितना रुकने का नाम नहीं ले रहे छोट इतना आंग लगाओ है क्यों और टाइगर आंग हो गए इसमें मतलब आज खोल लो अरे रुक जा चल चल आगे चल अरे बस तो यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और ये टाइगर बिल्कुल नहीं रुक रहा देखो अरे रुक जा आजा आजा टाइगर आजा 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 टाइगर ये देखो कैसे 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 कर रहा है देखो ये देखो ये देखो ये इसकी नस्ल है ना पता नहीं क्या है लेकिन बदमाश नस्ल है बड़ा होने पे दिक्कत कर सकता है देखो कैसे कर रहा है देखो ये अरे छोड़ दे टाइगर मैं तो लेके भाग लिया इसको ये टिकने नहीं दे रहा था तो हम पहुंच गए मुर्गा फार्म के पास बस टाइगर देख सकते हैं आप कैसे कर रहा है हाँ बट को भर ले खा जा मन खा जा चल अंदर चल अब मैं कैमरे को कर देता हूँ बंद यहाँ पे ले आए देख सकते हैं आप ये अब भी कैसे कर रहा है यहाँ पे पल्ली वगैरह लगा रखी है और अच्छी मिट्टी है आराम से बैठेगा रात को है ना टाइगर अब मैं जा रहा हूँ टाइगर और ये मेरे पापा जी का फोन है मेरे पास बार बार किसी का फोन आ रहा है थोड़ी देर में कराते हैं बात अभी फिलहाल साइलेंट कर देता हूँ इसको ठीक है टाइगर बाय मिलते हैं सुबह डट नहीं रहा है बिल्कुल उछल कूद देखो कैसे कर रहा है देखो चलो बोलो अभी मैं आ गया हूँ टाइगर को मुर्गा फार्म में छोड़ करके और मैं अभी इस वीडियो का एंड भी करने जा रहा हूँ तो कैसे लगी आप लोगों को आज का व्लॉग कमेंट करके जरूर बता दें और हम यहाँ पे देख सकते हैं आप सबने खा लिया ये कनक देखो आया कर दे आया कर दे सो गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय।